हे गाइस, तो मैं यहाँ पे तुलसी पूजन कर रही हूँ। आज है मेरा एकादशी का व्रत, तो आज आप तुलसी विवाह भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तुलसी पूजन किया है, जैसे कि विधिवत जैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लगाया है सिंदूर तुलसी माता को, और उसके बाद मैंने एक चुनरी मैं लेके आई थी तुलसी माता के लिए, और चूड़ी और बिंदी ये सब। तो क्योंकि आज तुलसी विवाह भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं तुलसी माता का धागा बांध रही हूँ, जो कलावा होता है ये 11 बार लपेट के बांधते हैं, तो इसको मैंने बांधा है। और उसके बाद मैं चुंदरी भी बांधूंगी, ये देख सकते हो चुंदरी। तो आज आप तुलसी विवाह कर सकते हो, और नहीं तो मतलब 3-4 दिन के बाद भी करते हैं, जिस दिन पूर्णिमा होता है उस दिन। तो लेकिन मैंने आज एकादशी का मैंने व्रत रखा था, जो देव उठानी एकादशी होती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है। तो अगर आप कोई भी एकादशी का व्रत नहीं रखते हो, अगर ये अगर व्रत रख लेते हो एकादशी का ना, तो सारे एकादशी का पुण्य मिलता है। इसलिए मैं बहुत टाइम से रख रही हूँ, बहुत टाइम हो गया, शादी के पहले से ही रख रही थी। तो ये देख सकते हो, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ, दीपक दिखा रही हूँ, और घी के बत्ती जलाया है तुलसी माता को। और यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे फिर मैं हाथ जोड़ूंगी, और ये देखो, तो हमारा तुलसी माता का पूजन हो गया, जैसे कि करते हैं हर बार, तो वैसे ही मैंने इस बार भी किया है। तो तुलसी पूजन मैंने किया है इस बार। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है एकादशी, तो अभी मेरा चाय हो रहा है। तो हे गाइज, अभी हो चुके हैं 11:30, और आज है मेरा एकादशी का व्रत। जैसे कि ये जो एकादशी होती है ना, कार्तिक मास की जो आती है, ये बहुत ही पूर्ण वाली एकादशी होती है। इसमें ये वाली एकादशी मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, तो ये वाली का एकादशी मैं नहीं छोड़ती हूँ। तो आज है देव उठानी एकादशी, जो व्रत करना मतलब बहुत ही ज़रूरी होता है। आप कोई भी एकादशी नहीं करते हो ना, अगर ये कर लेते हो तो बहुत ही पुण्य का काम होता है, और ये होता है कार्तिक मास में। तो अभी आज मेरा व्रत है, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ, सारा काम फिनिश हो चुका है, और कपड़े भी लगा दिए हैं धुलने के लिए। अभी मैं जा रही हूँ, आयरा स्कूल भी जा चुकी है, सब हो चुका है। तो अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने, तो आयरा के लिए और अमित के लिए। तो आज बनेगी, क्या बनेगी, रोटी दाल एंड पनीर की सब्जी। तो कल पनीर आया रात में, तो मुझे नहीं खाना था, जैसे कि पनीर तो खा सकते बट प्याज नहीं खाना था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो कल बना देंगे, इसलिए कल रात में नहीं बनाया। और सब्जी भी थी और मुझे प्याज नहीं खाना था, तो सिंपल सा बनाया था। तो अभी चलते हैं, बनाते हैं लंच, क्योंकि अभी आयरा का आने में 1 घंटा टाइम है, तो 1 घंटा में लंच बन के रेडी हो जाएगा। 12:30 बजे आयरा की छुट्टी होती है, 1 बजे तक आती है। तो अभी चलते हैं, कपड़ा भी लग चुका है, धुला रहा है सारा, देख सकते हो सब सही, रूम सब सही हो चुका है। जैसे कल व्रत था तो सारा मुझे चेंज ही करना होता है, सोफा कवर या बेड का कवर, सब चादर वगैरह, और ये सब हो चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं किचन में, तो आप भी चलो हमारे साथ किचन में, और देखो कि मैं क्या बना रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि पनीर बनाएंगे भुजिया टाइप का, तो बनाते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और कल आयरा की चोट लग गई थी, तो अभी रात है, इसलिए आज आयरा मॉर्निंग में स्कूल गई हैं। तो चलो, देखो प्याज टमाटर लहसुन मिर्ची सब कट करके रखा है, और इधर पनीर है, और मॉर्निंग में आयरा को पनीर और पराठा ही दिया था फ्राई करके, तो यही बचा है। तो चलो ये बनाते हैं इसको, और इधर मैंने दाल रख दिया है बनने के लिए। गाइज, गुड इवनिंग। तो अब भी हो गए हैं शाम के 5:30 बज रहे हैं, और मैं ले रही हूँ अपना चाय। तो आयरा भी सोई है, क्योंकि लेट बहुत सोई थी, तो इस वजह से। और अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, मैंने थोड़े बर्तन थे, क्योंकि मेरा व्रत है, तो बस आयरा और अमित खाए, तो वही बर्तन थे थोड़े बहुत, तो मैंने धुल लिया था दोपहर में ही, तो सब साफ सफाई हो चुकी थी। अभी कोई काम ही नहीं है, तो अभी बस 6 बजे दिया बत्ती करूँगी शाम का। तो चलो कंटिन्यू, आप लोग बने रहिए वीडियो में, और आगे के देखिए कि क्या क्या आपको दिखाते हैं। हे गाइस, तो हमने आरती कर लिया है अभी इवनिंग में, जैसे कि पूजन करते हैं। यहाँ पे मैंने दीपक जला दिया है मंदिर में, और मैंने उधर भी तुलसी माता को भी जैसे करते हैं। आयरा भी सब सोई है, क्योंकि बहुत लेट सोई थी, माता को भी जलाया है। तो यहाँ तो मैं रोज़ जलाती हूँ पूरी कार्तिक,
कर लिया। और आज था फ्राइडे, माँ लक्ष्मी का दिन, जैसे कि मैं हर फ्राइडे को गेट पे जलाती हूँ। तो एक हमारा बत्ती यहाँ चल रहा है गेट पे, तो ये हर फ्राइडे को मैं यहाँ गेट पे जलाती हूँ। और माता लक्ष्मी तो आयरा भाग रही है, नीचे लेके जा रही हूँ आयरा को घुमाने। अभी हम जा रहे हैं नीचे, अभी 6:30 हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आयरा को घुमा दें और बस थोड़े देर के लिए ले जा रहे हैं, आधे घंटे के लिए, 7 बजे तक आ जाएंगे। तो चलो चलते हैं नीचे। गाइज तो हम लोग नीचे से आ गए और इतने सारे कपड़े पड़े हैं जिसको फोल्ड करने हैं। और आयरा अभी चली गई हैं दिव्या के घर, ये देखो हाथों में काला लग गया, गैस में से क्या बोलते हैं, काला काला नहीं छोड़ रहा है एकदम से, बहुत दिक्कत हो रही है और काले लग जा रहे हैं। तो इतने सारे कपड़े हैं लो, इस वाले हैंड में भी लगा है, तो ये सब फोल्ड करने हैं। चलो करते हैं इसको। कपड़ा फोल्ड हो गया है, थोड़ा बहुत है उसको भी फोल्ड कर रहे हैं। तो और इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अब कुछ नहीं है, क्या करें, आज बस रोटी बनाने हैं आयरा के लिए, क्योंकि मैंने सब्जी जो पनीर का बनाया था ना दोपहर में, तो मैंने रख दिया था एक्स्ट्रा, क्योंकि अम्मी तो और आयरा ही खाने वाले थे, तो इस वजह से। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। वीडियो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।